असलमस अमीता के आप सब खैरियत से होंगे टुडे आई विल भी शेयरिंग अरिकास टू फेमस एयर स्टाइल्स दे आर एक्चुअली वेरी इजी जस्ट बेसिक फ्रेंच ब्रेड बट इन डिफरेंट पोजिशन एंड दैट ज्यूलरी डेट मुकदस इज वेरिंग राइट नाव इफ यू वांट टू बाई दिस ज्यूलरी डेट दर लिंक इज़ आल्सो इन डिस्क्रिप्शन बार एंड दिस ड्रेस इज़ फ्राम मुनफ्रीद ऑफिशियल एंड इफ यू वांट टू बाई दिस ड्रेस और एनी अदर ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर योर ईद इवेंट सो यू कैन आल्सो क्लिक ऑन डेट लिंक विच इज़ इन डिस्क्रिप्शन बार सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हाफ पार्ट जो है मैंने डन कर लिया है फ्रेंच ब्रेड ओनली प्लेन आपने फ्रेंच ब्रेड बनानी है ऑल द वे इन द बैक्स आपने करना है अच्छा हाफ साइड के ऊपर मैं कॉम कर लूँगी और अगर आपके बाल बहुत सिल्की और थिन हैं तो हेयर स्टाइल से पहले अगर आप हेयर सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा करके उनको अच्छी तरह कॉम कर लेंगे तो आपके हेयर बहुत मैनेजेबल हो जाएंगे हेयर को मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है सामने से इस तरह ट्राई एंगल शेप में मैंने सेक्शन लेना है और इसको थ्री थिन जो है स्ट्रेन में इन्हें डिवाइड कर लेना है अगर आपको बिल्कुल नहीं आता कि आपको नहीं आइडिया कि किस तरह फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं तो आप पहले यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक फ्रेंच ब्रेड और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल भी अगर इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंच ब्रेड जस्ट आपने फाइव टेन टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पहले तो आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं बनता बट डोंट वरी आपने बस प्रैक्टिस करनी है वीडियो में भी मैं थोड़ा स्लोली आपको बता रही हूँ अगर आपको इससे समझ आ जाती है तो गुड फॉर यू बहुत कम कम आपने हेयर लेकर साथ ऐड करते जाना है बहुत कम भी नहीं लेने बहुत बारीक लेंगे तो वो भी थोड़ा मतलब के वीड हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल सेक्शंस में हेयर में ऐड करती जाऊँगी और साथ ही बिल्कुल लाइट लाइट कॉम करते हुए आपने थोड़ा सा नीट क्योंकि ये बिल्कुल फेस के फ्रंट पर आ जाता है हेयर स्टाइल तो आपने बहुत ही नीट इसे लेकर चलना है आप देख सकते हैं कि कितने बारीक जो है सेक्शंस में ऐड कर रही हूँ हेयर स्ट्रैंड के अंदर और और इनको इस तरह ट्विस्ट करते जाना है जिस तरह के फ्रेंच पेट बनती है और बिल्कुल ऊपर से हेड के मैंने बैक साइड के ऊपर इसे लेके जाना है और समर सीजन में स्पेशली आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है अब क्योंकि ईद है हमने घर से बाहर भी नहीं जाना तो इस तरह के हेयर स्टाइल बच्चियों के लिए स्पेशल जो यंग एज की बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहते हैं और अगर वो खुद भी अगर आप किसी और से ना भी बनवाएं इफ़ यू प्रैक्टिस दिस हेयर स्टाइल्स दैन दे आर वेरी ईजी आप बहुत आराम से ये वाले हेयर स्टाइल्स ख़ुद बना सकती हैं और इस तरह की जो कॉम मेटल की ये हेयर स्टाइल्स की मिलती है इस तरह की आप बाय कर लें तो इस तरह के जो सेक्शंस लेकर आपने ऐड करने हैं वो और ईजी हो जाते हैं मैं अपनी वीडियो वीडियोस में हेयर स्टाइल्स इसलिए आपको बनाना नहीं बताती कि मुकद्दस के हेयर बहुत लॉन्ग है तो जब मैं एक भी स्ट्रैंड अंदर सेक्शन बालों के ऐड करती हूँ तो नीचे से पूरे बाल उलझ जाते हैं जब वो नीचे और मैंने फिर वो उनको सेपरेट करने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम सो डैट्स वाई आई मोस्टली डोंट शेयर दीज हेयर स्टाइल्स इन माई वीडियोज़ तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ अरिका हक के जो हेयर स्टाइल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें एक कैमरा एंगल भी ए, मेरा क्योंकि मेकअप और इस स्टाइल पे सेट हुआ हुआ है तो अगर मैं ये ए, मीन कि अगर ए, शूट नहीं कर रही होती तो मैं और अच्छे तरीके से इन हेयर स्टाइल्स को बना सकती हूँ लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको नज़दीक से स्लोली स्लोली बना के बताऊँ कि किस तरह बन सकते हैं बैक साइड तक फ्रेंच ब्रेड लेके जाएंगे और एट द एंड जो है आपने प्लेन ब्रेड जो बनती है गर्ल्स बनाती हैं बस उनको ले कर नीचे एंड तक उसको ख़त्म करना है सो आप देख सकते हैं हम कदस का एंड तक करते करते मैंने बहुत एंड तक नहीं किया क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट हेयर स्टाइल सेकेंड हेयर स्टाइल स्टार्ट करना था आप देख सकते हैं कि ये वाला हेयर स्टाइल जो है एरिका की इन काफ़ी वीडियोस में जो टिकटॉक की वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं ये वाला हेयर स्टाइल है और ऊपर से यह आपको ऐसे नज़र आएगा सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए सेंटर uh, से uh, uh, मैंने टू पार्ट्स में बालों को डिवाइड किया है एंड वन एंड हाफ इंचज के सेक्शन uh, आपने जो हैव टू टेक टू सेक्शंस बट इनको सेपरेट करके मैंने इस तरह बॉबी पिन से नीचे वाले बालों को थोड़ा सा स्क्योर किया है स्मॉल पार्ट आपने सामने से लेके उसी तरह से थर्ड थ्री स्ट्रेंथ में आपने इसे डिवाइड करके अपने फ्रेंच बेड जो है बैक साइड के ऊपर इसे लेके जानी है इसको बनाना है और स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी थिन होती हैं लेकिन आपने दोनों सेक्शंस साइड साइड से बहुत कम हेयर और बहुत ही आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस सिलसिले में लेकिन थ्री से फोर टाइम भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह के हम मेहंदी अप्लाई करते हैं हिना उसके लिए भी थोड़ी सी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आप अच्छे तरीके से उसे बना सकते हैं तो सेम हेयर स्टाइल्स में भी वही रूल्स अप्लाई हो जाते हैं थोड़े थोड़े बाल आपने लेकर ऐड करने हैं और एंड तक आपके हेड है, है, के बैक तक आपने से ले जाना है और आपका ये हेयर स्टाइल जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड तक जाकर आप कॉम के साथ या हाथों के साथ थोड़े से लूज़ ज़रूर हेयर कर लें बहुत ज़्यादा टाइट हो तो नीचे से स्किन नज़र आना स्टार्ट हो जाती है चाहे आपके हेयर कितने भी थिक क्यों ना हो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती तो थोड़ा सा लूज़ करके आप ये आपने बालों के एंड तक इसको जो नॉर्मल ब्रेड है प्लेन ब्रेड आपने इसको कंप्लीट करना है और उसके बाद किसी भी आपोनी के साथ ये इसको सिक्योर कर सकते हैं मुकदस के आप बालों की लेंथ देख सकते हैं कि इनको हेयर स्टाइल बनाते हुए मुझे कितना टाइम लग जाता है असल में ये उलझ बहुत ज़्यादा जाते हैं और इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की भी हैं अब अदर साइड के ऊपर जो मैंने सेक्शन बनाया था आई हैव ऑलरेडी डन दिस यू कैन सी नाउ दिस हेयर स्टाइल इज़ इज़लो रेडी और ये वो दूसरा हेयर स्टाइल है जो कि रिका आज भी अपनी टिक की वीडियो में बहुत ज़्यादा बना रही हैं और कह सकते हैं कि ट्रेंडी हेयर स्टाइल है समर में अब स्पेशली जिस तरह के घर में है सब ईद भी आ रही है तो आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकती हैं अच्छा यहाँ तक करके आप पूरे बालों को बैक साइड पर ले जा हाई पोनीटेल भी कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन सेट योर हेयर स्टाइल विद हेयर स्टाइलिंग स्प्रे And these were the trendy hairstyles that TikTokers mostly uh, sport nowadays. But if you want to see how they do their makeup, search YouTube for TikTokers jaisa makeup with Hanum. And also, I'm going to share the lenses that they mostly use in their videos very soon on my channel. So for that, stay tuned by subscribing to my channel and pressing the bell icon. And don't forget to like this video. Until next time, take care and Allah Hafiz.